हेलो फ्रेंड्स, दैर स्टडी पॉइंट पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन जो अपन का टॉपिक चल रहा था, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा यानी साधारण सभा, संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग महासभा के बारे में डिस्कस चल रहा था। मैंने ऑलरेडी दो वीडियो बना दी है, आप उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां पर भी जाकर उसको देख सकते हो। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। आज अपन महासभा के कार्य के बारे में डिस्कस करेंगे और ये लास्ट वीडियो है इस पर, यानी महासभा की जो शक्तियां हैं, महासभा के कार्य एवं शक्तियां कि क्या शक्तियां हैं महासभा में। तो फ्रेंड्स, इसको अपन सात शक्तियां सात कार्य पढ़ेंगे इसके बारे में। तो एक ट्रिक के माध्यम से इसको समझते हैं। यानी जो पॉइंट है उनको अपन ट्रिक के माध्यम से समझेंगे और उनका संपूर्ण विवरण अपन इस बोर्ड पर देखेंगे। तो विसानी अविनी विषाणी अविनी के साथ है, ये अपन का ट्रिक है और इसके द्वारा अपन सात पॉइंटों को देखेंगे। तो पहला, विचार, वी का मतलब विचार, विमर्शात्मक शक्ति, ठीक है। दूसरा, शांति के लिए एकता का प्रस्ताव, ठीक है। जो तीसरा है, निर्वाचन संबंधी शक्ति, ठीक है। इसके बाद जो चौथी जो कार्य या शक्ति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के विकास संबंधी शक्ति, जो पांचवी शक्ति है वो पांचवी शक्ति है वित्तीय शक्ति, ठीक है। और ये जो छठी शक्ति है वो निरीक्षणात्मक एवं
एवं जांच संबंधी शक्ति। और जो लास्ट सातवीं शक्ति है, यहां से उठाओगे आप, सातवीं शक्ति संवैधानिक शक्ति, संवैधानिक शक्ति। यानी फ्रेंड्स, इस जो ये ट्रिक है, इसके माध्यम से हमने सात शक्तियां देखी। पहला है वी से विचार विमर्शात्मक शक्ति, सा से शांति के लिए एकता का प्रस्ताव, नी से निर्वाचन संबंधी शक्ति, ऐसे अंतरराष्ट्रीय सहयोग के विकास संबंधी शक्ति, और वी से वित्तीय शक्ति, और नी से निरीक्षणात्मक एवं जांच संबंधी शक्ति। और ये जो सा है, ये इसका लोप हो जाएगा, इसका कोई महत्व नहीं है। और जो स है उसका संवैधानिक शक्ति। इस प्रकार हम इन चारों शक्तियों के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। दोबारा से एक बार इसको रिपीट कर लो, दिमाग में उतार लो। विशानी अविनी के साथ है, विशानी अविनी के साथ है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। अब अपन इनको एक एक करके देखते हैं, एक एक करके देखेंगे आज। तो पहली जो शक्ति है विचार विमर्शात्मक शक्ति या कार्य। यानी सबसे महत्वपूर्ण कार्य महासभा का विचार और विमर्श का कार्य होता है। अभी विचार किन किन क्षेत्रों में करती है वो देख लेते हैं। पहला जो यूएनओ का चार्ट है, यानी यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ का चार्टर। यूएनओ का मतलब मैंने पहले समझा दिया, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी इंग्लिश है यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यानी यूएनओ का चार्टर में जो कार्य हैं, विषय शक्तियां या अन्य कोई प्रश्न या कोई मुद्दा हो, इन सभी पर यूएनओ का जो चार्टर है उसके कार्य विषय शक्तियां और प्रश्न, इस पर महासभा विचार विमर्श करती है, अपना मत रखती है। और ये बात जो यूएनओ का यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के कार्य विषय शक्तियां एवं प्रश्न, वही चीज आ जाएगी, उन पर विचार विमर्श करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, यानी मैंने छह अंगों की बात की थी। एक तो महासभा है, उसके बाद में सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, न्यास परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। तो ये छह अंग हैं, उनके द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ कार्य करता है। तो ये जो अंग हैं, बाकी के बचे हुए, इनके जो कार्य हैं, विषय हैं, शक्तियां हैं, प्रश्न है, इन सभी पर वह विचार विमर्श करती है, अपनी मत रखती है। कौन? महासभा। महासभा इन पर विचार विमर्श करती है। इसके बाद में अपन जो दूसरी इसकी शक्ति है, दूसरी जो शक्ति है
शांति के लिए एकता का प्रस्ताव, यानी शांति के लिए एकता का प्रस्ताव क्या है, यानी जब सुरक्षा, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करने के लिए उतारू हो जाए और उससे विश्व की शांति भंग हो रही हो या और कोई मुद्दा हो और उससे संपूर्ण विश्व में शांति भंग हो रही हो, और जो सुरक्षा परिषद है, क्योंकि शांति को सही करने, यानी शांति यदि भंग हो रही है तो सुरक्षा परिषद ही उसका समाधान करती है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग है वो उसका समाधान करने का प्रयास करती है। लेकिन यदि वो असमर्थ हो, कोई निर्णय नहीं ले पा रही हो, तो ये महासभा अपना विचार विमर्श करती है, अपना मत रखती है उसके सामने, और यदि उससे भी काम नहीं बने तो महासभा अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकती है। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर, जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति भंग हो रही हो या एक देश दूसरे देश पर आक्रमण कर रहा हो और सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य निर्णय नहीं ले पा रहे हो तो महासभा अपना मत प्रस्तुत करती है, यानी जो मत प्रस्तुत करती है उसे ही शांति के लिए एकता का प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। तो ये शांति का एकता का प्रस्ताव एक बार और सुन लो, और इसमें और लिखो कि मत अपना प्रस्तुत करती है, यदि उससे भी माहौल सही नहीं होता है तो महासभा, जनरल असेंबली अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकती है, और महासभा ने इस शक्ति का समय समय पर प्रयोग भी किया है। उस प्रयोग की अपन बात कर लेते हैं, तो पहली बार तो 1950 में किया था इस शक्ति का प्रयोग, जब कोरिया पर चीन ने आक्रमण करने की सोची
उसी समय महासभा ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया था और चीन को कोरिया पर आक्रमण करने से बचाया था। और इसके बाद में 1951 की जो बात है, चीन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया गया था, उस समय भी इसने अपनी शक्ति का प्रयोग किया था, क्योंकि इस समय जो सुरक्षा परिषद है वो निर्णय नहीं ले पा रही थी, इसलिए महासभा को आगे आना पड़ा। तो महासभा, एक बार ये रिपीट कर देता हूँ, शांति के लिए एकता का प्रस्ताव, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति भंग हो रही हो या एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करने के लिए उतारू हो गया हो, और उस समय सुरक्षा परिषद जो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग है, सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं वो निर्णय नहीं ले पा रहे हो, तो महासभा अपना मत प्रस्तुत करती है कि किस प्रकार शांति की स्थापना की जाए, और इस शांति की स्थापना करने को ही शांति के लिए एकता का प्रस्ताव कहा गया है, और यदि उससे भी माहौल सही नहीं होता है तो वह अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकती है। उदाहरण के लिए 1950 में महासभा ने शक्ति का प्रयोग किया था, कोरिया पर चीन ने कोरिया पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था, सोच ही रहा था, उसको इस महासभा ने रोका। 1951 की बात है, चीन पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया गया, उस समय भी इसने अपनी शक्ति का प्रयोग किया था। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका ले सकते हो। इसके बाद में तीसरी शक्ति की बात करें, जो तीसरी शक्ति है निर्वाचन संबंधी शक्ति, यानी अपन अब ये देखेंगे कि जो महासभा है वो निर्वाचन किस किस का करती है। तो सबसे पहले तो वह सुरक्षा परिषद, जो बार बार कह रहा हूं संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग है, 6 अंगों में सुरक्षा परिषद के 10 अस्थाई सदस्य प्लस आर्थिक सामाजिक परिषद, ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है, 6 अंगों में आर्थिक व सामाजिक परिषद। इसके जो 54 सदस्य हैं, 54 सदस्यों यानी सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य और आर्थिक व सामाजिक परिषद के 54 सदस्यों, इनका चुनाव महासभा करती है, सभा करती है। इसके बाद में और किसका चुनाव करती है महासभा, प्लस सुरक्षा परिषद मिलकर, यानी महासभा और सुरक्षा परिषद मिलकर जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो 6 अंगों में जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट अंग है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है,
यानी ये दोनों मिलकर महासभा सुरक्षा परिषद, ये दोनों मिलकर अपने जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो तीसरा अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति ये मिलकर करते हैं। इसके बाद में अपन जो चौथी शक्ति है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसी बीच तीसरी जो इसी में कार्य है निर्वाचन संबंधित जो कार्य है उसमें सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर, यानी यदि सुरक्षा परिषद सिफारिश करे तो महासभा यूएनओ, या लिख देता हूं इसको मैं यूएनओ के नए सदस्यों की नियुक्ति या सदस्यों की सूची में शामिल कर सकती है। सम्मिलित लिख दो आप, सम्मिलित कर सकती है, यानी इसी में तीसरी शक्ति जो निर्वाचन संबंधी शक्तियों में सुरक्षा परिषद की सिफारिश, यदि सुरक्षा परिषद सिफारिश करे तो महासभा यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की यदि कोई नया देश चुनना चाहता है तो उसकी नियुक्ति यहाँ पर वह कर सकती है। इसके बाद अपन चौथी शक्ति देखते हैं, महासभा की चौथी शक्ति क्या है। चौथी शक्ति महासभा की वित्तीय संबंधी शक्ति, यानी वित्त के संबंध में महासभा की क्या शक्तियां हैं। तो सबसे पहले जो पहली शक्ति है उसके बारे में बात कर लेते हैं इसमें, कि यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की विशिष्ट एजेंसियों के जितने भी वित्तीय, यानी यूएनओ की अनेक एजेंसियां होती हैं उनके द्वारा वो कार्य करती है, अंग होते हैं उनके द्वारा कार्य करती है, तो उनके जो वित्तीय तथा बजट इन पर वह विचार विमर्श कर सकती है। कौन? महासभा यूएनओ की जो विशिष्ट एजेंसियां हैं उनके वित्तीय तथा बजट के बारे में विचार विमर्श प्रस्तुत कर सकती है। दूसरा, यूएनओ का जो वार्षिक बजट है, यूएनओ के वार्षिक बजट को स्वीकार करती है और वह
अपना मत रख सकती है कि जो यूएनओ के सदस्य राष्ट्रों पर खर्चा कितना करना है। खर्चा यानी खर्चा कितना करना है इसके बारे में वो विचार विमर्श कर सकती है। यानी दोबारा से देख लो, इसमें यहां शुरू कर देता हूँ। यूएनओ की विशिष्ट जितनी भी एजेंसी है उनके वित्तीय बजट संबंधित कार्यों पर विचार विमर्श करती है, और यूएनओ का जो वार्षिक बजट होता है उसको वह स्वीकार करती है, और वह अपना ये भी मत प्रस्तुत करती है कि जो यूएनओ के जो सदस्य राष्ट्र हैं, जितने भी यूएनओ के सदस्य राष्ट्र जुड़ रहे हैं, उन पर इस बजट को कितना खर्च करना है इसके बारे में ये जो महासभा है वो अपना मत प्रस्तुत कर सकती है। इसके बाद में जो तीसरा जो है यहां पर लिख देता हूं, तीसरा यानी 2 वर्ष के अंतर यदि कोई सदस्य राष्ट्र यानी यदि कोई सदस्य राष्ट्र 2 वर्ष तक यूएनओ में अपना निर्धारित शुल्क जमा नहीं करा रहा हो तो उसको मत देने का अधिकार समाप्त कर दिया जाता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यूएनओ के जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं उनका जो शुल्क है, पैसे हैं, वो निर्धारित कर रखा है कि आप यूएनओ में प्रतिवर्ष इतने रुपए जमा कराओगे, तो वो जमा कराना ही पड़ता है। वो इकट्ठा करके उन्हीं राष्ट्रों पर विपत्ति आती है तो उसको खर्च कर दिया जाता है। यदि जो सदस्य राष्ट्र 2 वर्ष के अंतर यूएनओ में शुल्क नहीं जमा करा रहे हैं तो उनका मत समाप्त कर दिया जाता है, यानी यूएनओ में वो जो चुनाव होता है उसमें वो भाग नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है कि यदि महासभा को ये पता चल जाए कि वह राज्य यानी वह राष्ट्र आर्थिक एवं अन्य समस्याओं के कारण ये जो शुल्क है वो जमा नहीं करा पाया, इसके बाद में महासभा उसको वापस मत देने का अधिकार प्रदान कर देती है। क्योंकि उनको पता चल जाता है कि वह देश आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, आर्थिक व अन्य समस्याओं के कारण वो शुल्क नहीं जमा करा पाया, तो उसको वापस अधिकार दे दिया जाता है। महासभा की जो 5वीं शक्ति है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। निरीक्षणात्मक एवं जांच संबंधी शक्तियां या आप कार्य भी बोल सकते हो, शक्तियां या कार्य। तो ये जो निरीक्षण है ना,
निरीक्षण एवं जांच किसका करती है, यानी यूएनओ, यूएनओ के अंग जिसमें सुरक्षा परिषद एवं अन्य अंग जिसमें यानी सुरक्षा परिषद तो एक अंग हो ही गया, यह भी अंग है, और अन्य जो अंग हैं जैसे दूसरा अंग आर्थिक एवं सामाजिक अंग, तीसरा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, चौथा न्यास परिषद, और जो पांचवा है सचिवालय। दोबारा से लिख रहा हूं क्योंकि मैंने पहले समझा दिया है, ये पांच तो ये हो गए, छठा ये है, तो इसकी तो अपन बात ही कर रहे हैं। तो ये जो पांच अंग है, यदि ये प्रतिवेदन भेजते हैं, प्रतिवेदन किसी मुद्दे की जांच करने के लिए महासभा के पास में, यानी ये सभी अंग यदि कोई मुद्दा भेजते हैं महासभा के पास में जांच के लिए, तो महासभा इन प्रतिवेदकों को स्वीकार करके इन पर जांच करती है, और जांच करके इन सभी को वापस सौंप देती है। इसके अलावा इसमें एक और कार्य है, न्याय संबंधित कार्य भी करती है, ये न्याय संबंधी कार्य भी महासभा करती है। महासभा न्याय संबंधित कार्य भी इसी में करती है। तो हमने समझा कि निरीक्षण एवं निरीक्षणात्मक एवं जांच संबंधी शक्तियों में यूएनओ के जो अंग हैं, सुरक्षा परिषद और अन्य अंग हैं, यदि वो प्रतिवेदन भेजते हैं महासभा के बारे में, कोई मुकदमा चल रहा है और उसकी जांच करने के लिए, तो वह उसकी जांच करती है। इसके अलावा वह न्याय संबंधित कार्य भी करती है। इसके बाद अपन छठी शक्ति है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। संवैधानिक संवैधानिक कार्य या शक्ति भी बोल सकते हो, शक्ति, ठीक है। तो सबसे पहले ये संशोध करती है, संशोध का अधिकार है इसको, संशोधन कार्य, संशोधन का कार्य संशोधन किसमें करती है, यदि महासभा यूएनओ के चार्टर में संशोधन करना चाहती है, चाहती है, तो महासभा में ही दो तिहाई बहुमत के आधार पर जो यूएनओ का चार्टर है उसमें संशोधन
कर सकती है। और ये यूएनओ का जो चार्टर है, ये ऐसा चार्टर है जिसमें सब कुछ, यूएनओ का जो सारा ढांचा है ना, कानून नियम कानून बोल दो नियम बोल दो, ये सभी इस यूएनओ का जो चार्टर है उसमें लिखित है। जैसे भारत का जो संविधान है, भारत किस प्रकार जो जो चुनाव पद्धति है, सभी किस प्रकार जो ढांचा चल रहा है ना, वो संविधान के द्वारा चल रहा है। उसी प्रकार यूएनओ का जो ढांचा चल रहा है वो चार्टर के द्वारा चल रहा है। तो इस चार्टर में यदि संशोधन करना चाहेगी महासभा तो दो तिहाई बहुमत महासभा में बनना चाहिए। महासभा में बनने के बाद चार्टर में वो संशोधन कर सकती है। अब ये जो आपने संशोधन किया है, जो महासभा ने संशोधन किया है, इस संशोधन को भी दो तिहाई तिहाई बहुमत से यूएनओ के सदस्य राष्ट्रों में पास या पारित कर दो, पारित यानी दो तिहाई, यानी संशोधित जो महासभा ने दो तिहाई बहुमत के आधार पर चार्टर का संशोधन किया है, उस संशोधन को दो तिहाई बहुमत से ही यूएनओ के सदस्य राष्ट्रों में उसको स्वीकार करना होगा, तभी वो सही संशोधन माना जाएगा। अब इसके बीच एक और कार्य है, पुनरावलोकन का अधिकार। इसमें क्या है कि महासभा प्लस सुरक्षा परिषद मिलकर जो मूल चार्टर यानी यूएनओ का जो मूल चार्टर है उसके लिए सम्मेलन बुला सकती है, यदि आप मूल चार्टर में संशोधन करना चाहते हो तो पुनरावलोकन का अधिकार, मतलब महासभा और सुरक्षा परिषद साथ मिलकर यूएनओ का जो मूल चार्टर है उसमें यदि पुनरावलोकन करना है यानी उसमें संशोधन करना है तो सम्मेलन बुला सकती है। तो फ्रेंड्स, हमने ये छह संवैधानिक कार्य देखे। इसके अलावा भी जो मानव के जो अधिकार हैं और स्वतंत्रता है, यदि वो भंग हो रही है तो महासभा उस पर मुकदमा करके, यानी विश्व स्तर पर बात चल रही है, ये कोई भारत की बात नहीं है, ये विश्व स्तर पर बात चल रही है। तो फ्रेंड्स, महासभा जो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग है, उसके कार्य भी हमने देखे, छह कार्य देखे। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। मैंने इस पर 3 वीडियो बना दिए हैं, आप उन वीडियो को देख सकते हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।